गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग के साथ हम लोग कुछ पार्ट्स और पढ़ेंगे। वो क्या पार्ट्स होंगे हमारे? एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स एंड इंटरनेट बैंकिंग और साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ई बैंकिंग क्या होती है। ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम जो बैंकिंग वर्क कर रहे हैं वो हमारा कहलाएगा ई इलेक्ट्रॉनिक या ई बैंकिंग। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मैनी बैंक्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज क्या होती हैं? बहुत सारी बैंक्स के थ्रू हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक, इन विच अ कस्टमर इज अलाउड टू कंडक्ट बैंकिंग ट्रांजेक्शन ओवर इंटरनेट। यहाँ पे हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन किसके थ्रू करेंगे? कस्टमर को परमिट किया जाता है कि वो इंटरनेट का यूज करके अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन, अपने बैंकिंग लेन देन को कर सके यूजिंग अ पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। किसके थ्रू करेगा? यूजिंग अ पर्सनल मोबाइल, या तो कंप्यूटर, मोबाइल और पर्सनल डिजिटल कंसिस्टेंट असिस्टेंट मीन्स हैंड हेल्ड कंप्यूटर। ओके, ये हो गया हमारा ई बैंकिंग। इसी के बाद आता है ई बैंकिंग में सर्विसेज कौन कौन सी आ जाती हैं। तो ई बैंकिंग में सबसे पहले आती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहले हमें क्या करना पड़ता था कि बैंक जाते थे हम, तब अपना पैसा डिपॉजिट कर पाते थे, तभी विड्रॉ कर पाते या कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी हमें लेनी होती थी तो उसके लिए हमें बैंक जाना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जगह जगह बैंक्स ने अपने अपने एटीएम लगा दिए। आप वहां जाके बैंक से पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो, फंड डिपॉजिट भी कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हो, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस भी ले सकते हो, अपने बिल्स पे कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज आप विदाउट बैंक में एंटर हुए कर सकते हो। ठीक, एटीएम क्या होता है? एटीएम इज ए कंप्यूटराइज मशीन दैट प्रोवाइड्स द कस्टमर ऑफ बैंक्स द फैसिलिटी ऑफ एसेसिंग देयर अकाउंट्स विद ए मैग्नेटिक इनकोडेड प्लास्टिक कार्ड। आपको एक प्लास्टिक कार्ड दे दिया जाता है, प्लास्टिक कार्ड मैग्नेटिक इंक के थ्रू, ब्लैक पट्टी जो होती है वो हमारी मैग्नेटिक इंक के थ्रू कोडेड होती है। जब हम उस कार्ड को एटीएम में एंटर करते हैं तो जो एटीएम मशीन है उस कार्ड को रीड करती है। रीड कैसे करती है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के थ्रू उसको रीड किया जाता है, आपका बैंक अकाउंट डिटेल निकल आता है, उसके थ्रू आप अपने बैंक के ट्रांजेक्शन कर पाते हैं। ठीक, सेकेंड आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड यही इनकोडेड मैग्नेटिक इनकोडेड कार्ड रीडर कार्ड होता है जो हम यूज करते हैं। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड दोनों ही फॉर्म में होता है। दोनों ही फॉर्म में कैसे? डेबिट कार्ड होते हैं कि जो बैंक में हमने पैसा जमा कर रखा है उस पैसे को यूज करने के लिए, आपके पिछले ट्रांजेक्शन को देखते हुए बैंक आपको कुछ क्रेडिट लिमिट दे देती है, उसके लिए वो यूज करती है क्रेडिट कार्ड। आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज करके बैंक से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो और बैंक इसके लिए आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है। डेबिट कार्ड के लिए भी आपसे चार्जेस लेता है और क्रेडिट कार्ड के यूज के लिए भी चार्जेस लेता है। ओके, डेबिट कार्ड की अगर बात करें, डेबिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय बैंक व्हिच अलाउज द बैंक क्लाइंट एसेस टू हिज अकाउंट टू विड्रॉ कैश और पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेस। ओके, क्रेडिट कार्ड क्या हो गया? क्रेडिट कार्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड इशूड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स फॉर द होल्डिंग टू बाई गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। जो हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेजिंग करते हैं वो हमारी ऑन क्रेडिट परचेज कराती है। मीन्स जो पेमेंट बैंक हमारे बिहाफ पे बैंक ने आज की डेट में कर दिया वो हमारे लिए क्या है? क्रेडिट है। ठीक, डेबिट कार्ड में क्या हो रहा है? हम अपने ही पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में हम क्या कर रहे हैं? हम बैंक के पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं अपने पेमेंट के लिए। इसके लिए बैंक आपको एक लिमिटेड पीरियड देती है कि आप इतने दिन में बैंक का पैसा जमा कर देंगे, अदरवाइज उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग रिफर्स टू द मेकिंग बैंकिंग ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद द बैंक थ्रू द इंटरनेट। ठीक, आपको इसके लिए क्या करना होता है? इंटरनेट के थ्रू आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप बैंक ने एक ऐप पूरा तैयार कर रखा है जो इंटरनेट के थ्रू चलता है, ताकि आप उस इंटरनेट पे वो साइट खोल के उसको लॉगिन कर दें। लॉगिन कैसे करेंगे? अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू। आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराया जाएगा ताकि आप अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं ले सकें। आपको इसमें भी बैंक जाने की जरूरत नहीं होती है, आप अपने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू
सारे बैंकिंग काम घर से ही कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चाहिए होगा, बैंक अकाउंट नंबर चाहिए होगा, बैंक डिटेल चाहिए होगा, IFSC कोड चाहिए होगा, ठीक, यूजर आईडी चाहिए होगी, पासवर्ड चाहिए होगा, लॉगिन आईडी जिसको बोलते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन पासवर्ड चाहिए होगा, OTP, आपके मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही आपके OTP आएगा, उस OTP को आप जब अपने पेमेंट के लिए या अपने रिसीप्ट के लिए डालेंगे तभी आप कोई सर्विस ले पाएंगे, ठीक। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपको अगर चेकबुक मंगानी है तो भी आप कर सकते हैं। लास्ट आपका आता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है कि मोबाइल बैंकिंग जैसे प्ले स्टोर में आपके बाकी ऐप होते हैं वैसे ही बैंक्स ने भी अपने ऐप प्ले स्टोर में लॉन्च कर रखे हैं। आप जाएंगे प्ले स्टोर में, वहां से किसी जो बैंक अकाउंट आप यूज करते हैं उस बैंक का ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे जिसको हम लोग लॉगिन आईडी या साइनअप भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आप प्रॉपर बैंकिंग सारे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करते थे या डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते थे। ओके, ये आपका कंप्लीट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ओके, थैंक्स।